आज विश्व नशा निवारण दिवस है और इस अवसर पर मुझे प्रसन्नता है कि हमारे स्कूल के बच्चे बहुत सक्रिय भूमिका नशा निवारण के संबंध में आज इस रैली के माध्यम से लेने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि पुलिस विभाग ने बहुत गंभीर प्रयत्न इस दिशा में किए हैं और आज के इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद लगभग 1750 बच्चे जो यहाँ पर इस रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में ये कार्यक्रम यहीं तक सीमित नहीं, ये अवेयरनेस का कार्यक्रम जितने भी हमारे शैक्षणिक स्थान में और उसके साथ साथ में जहाँ जहाँ भी हमारे यूथ के बीच में जाकर के इंटरेक्शन का अवसर मिलता है, हम इस बात को कहने की कोशिश करते हैं। और मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हिमाचल प्रदेश में भी नशे का प्रचलन बाकी राज्यों की तुलना में भले ही कम होगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद है यहाँ नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते। सरकार की ओर से गंभीरता पूर्वक इस पर प्रयास किए जा रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि इस व्यवसाय से जुड़े लोग उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, और उसके साथ साथ में किसी वजह से कोई नौजवान इस नशे की चपेट में अगर आ गया है उसकी काउंसलिंग करना, उसको समझाना, उसके परिवार के लोगों के साथ बात करना, और उसके साथ साथ में और आवश्यक हुआ तो कानून के मुताबिक जो आवश्यक कार्रवाई होती है उसके मुताबिक कार्रवाई करने की भी इसमें जो है ये प्रयत्न इस प्रकार से हो रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में इस अभियान को और ज़्यादा बल देने की हम कोशिश करेंगे और विभाग इसमें पूरा सक्रियता के साथ अपनी सहभागिता इसमें दिखा रहा है पुलिस विभाग, और उसके साथ साथ में पुलिस विभाग के अलावा दूसरे भी हमारे जितने विभाग हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट उनके लिए और उसके साथ साथ हमारा स्वास्थ्य विभाग, वो भी इसमें सक्रियता जो है बनाए रखे हुए हैं लगातार, ताकि जो है नशे का प्रचलन शुरू ना हो। अगर शुरू हुआ तो आगे ज़्यादा उसको जो है बल ना मिले, उसको आगे बढ़ने का की गुंजाइश ना मिले, उस दृष्टि से सारी बातें जो सरकार के स्तर पर की जा सकती है वो करने की कोशिश कर रही है।